हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के, जिनके पास कंपनी लॉ सब्जेक्ट है। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो जिसमें आज हम कंप्लीट यूनिट नंबर 3 जो शेयर कैपिटल है कंपनी लॉ सब्जेक्ट की, उसे कवर करने वाले हैं एक वन शॉट वीडियो में। इस कंप्लीट वन शॉट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट यूनिट के नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ और साथ में उन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन भी करूँगा जो जो इन नोट्स में गिवन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि आपके एग्जाम में आने वाली है। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इससे पहले कि दो यूनिट की पूरी वन शॉट रिवीजन वीडियो चैनल पर अपलोड हो रखी है, मैं प्लेलिस्ट अपडेट कर दूंगा, उसमें आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। इस वाली वीडियोस के जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको जो यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन है वहाँ पर उसका टेलीग्राम का लिंक पिन हो रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इस टाइप के ये सभी नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमारे पास प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी एंड इनविटेशन टू पब्लिक सब्सक्राइबिंग टू देयर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर इज इशूड, दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है और एक इन्विटेशन होता है जनरल पब्लिक को कि वो कंपनी के शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब करें, मतलब कंपनी के शेयर्स को या डिबेंचर्स वगैरह को खरीद लें, उसे कहा जाता है प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस बिकॉज दे आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर शेयर। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती हैं। क्यों इशू नहीं कर सकती हैं? क्योंकि उन्हें प्रोहिबिट किया जाता है, मतलब रोका जाता है कि वो जनरल पब्लिक है उनसे शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा सकती। ओनली पब्लिक कंपनी कैन इशू अ प्रोस्पेक्टस, सिर्फ पब्लिक कंपनी ही प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। अब प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद आरओसी बिफोर इट इज इशूड टू पब्लिक। जो प्रोस्पेक्टस होता है उसे हम पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करेंगे, उसके बाद ही उसे जनरल पब्लिक को इशू करेंगे। अ कंपनी मस्ट गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इफ फेल्स टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक विद इन स्पेसिफाइड पीरियड देन द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक इज रिटर्न्ड। क्या बोला गया है कि अगर 120 दिनों के अंदर, जितनी लिमिट होती है प्रोस्पेक्टस की कि इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, अगर 120 दिनों के अंदर उतना सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो फिर जितनी भी अमाउंट कंपनी ने रिसीव करी होगी पब्लिक से, कंपनी को उसे सारी को वापस करना पड़ेगा। अब जो ये प्रोस्पेक्टस होते हैं, ये हमारे पास दो तरीके के हैंगे। हमारे सिलेबस में होते तो कई टाइप के हैं लेकिन हमें जो पढ़ने हैं वो दो तरीके के। फर्स्ट है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ क्लास ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडेड देयर इन आर इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशू ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। क्या होता है, अगर कंपनी जल्दी जल्दी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है कि उसे पता है कि हमें जल्दी जल्दी सिक्योरिटीज इशू करनी पड़ेंगी, तो फिर कंपनी क्या कर सकती है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। इस प्रोस्पेक्टस के इशू होने के बाद कंपनी को हर बार न्यू सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए एक अलग प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ेगा, पुराने वाले ही प्रोस्पेक्टस से काम चल जाएगा। सेल्फ प्रोस्पेक्टस रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर दैट स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी अंडर द प्रोस्पेक्टस। जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है वो एक साल के लिए वैलिड होता है। एक साल के अंदर अगर कंपनी कितनी भी सिक्योरिटीज इशू करे उसे दोबारा से प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। थ्रू द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इफ एनी चेंज ऑकर विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल पोजीशन और अदर रिलेवेंट एस्पेक्ट बिटवीन द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी एंड सक्सीडिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। अगर कंपनी ने एक बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया और अब जब कंपनी दोबारा सिक्योरिटीज इशू कर रही है उसके बीच में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज आता है तो उसे कंपनी को किसमें बताना होगा, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट करना होगा, न्यू प्रोस्पेक्टस सबमिट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे टाइप का जो हमें पढ़ना है वो अगर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर ऑन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड द क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें हमें ना तो सिक्योरिटीज के बारे में बताया जाता है कि कितनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है कंपनी और ना ही प्राइस बताया जाता है कि कितनी प्राइस पर इशू कर रही है। सिर्फ एक तरीके से ये हम कह सकते हैं मेमोरेंडम होता है जिसमें हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कंपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है लेकिन उसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। A company planning to make a public issue of securities is allowed to issue a red herring prospectus before the issue of prospectus that contain all detail of price and quantum of securities offered. तो अगर कंपनी ने एक बार अगर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया तो उसके बाद जब भी कंपनी पब्लिक को इशू करेगी उससे पहले कंपनी को एक बार दोबारा से प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा जिसमें क्वांटिटी और प्राइस के बारे में बताया जाएगा शेयर्स के। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो आपके सिलेबस में आएगा वो आएगा मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। मतलब अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई गलती हो जाती है तो उसका क्या होगा, स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस डीम टू बी अनट्रू इफ। एक स्टेटमेंट जो भी प्रोस्पेक्टस में दी गई है उसे कब अनट्रू माना जाएगा, अगर द स्टेटमेंट इज मिसलीडिंग इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन विच इंक्लूड इन प्रोस्पेक्टस। अगर वो जो स्टेटमेंट है वो मिसलीड कर रही है किसी को, या फिर द ओमिशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टस ऑफ एनी मैटर इज कैलकुलेटेड टू मिसलीड, या फिर
प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसी चीज देने से छुपा दी गई है, मतलब नहीं दी गई है, जो कि देना जरूरी था, जिससे कोई पर्सन का डिसीजन चेंज हो सकता है, तो फिर उसे कहा जाएगा कि वो मिस स्टेटमेंट हुई है प्रोस्पेक्टस में। इफ देयर इज एनी मिस स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट इन प्रोस्पेक्टस विच इज मिसलीडिंग दिस में अराइज, अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई ऐसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को मिसलीड किया गया है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो उस केस में दो तरीके की लाइबिलिटी आती है। पहली आती है हमारी सिविल लाइबिलिटी, तो अ पर्सन हु हैज इंड्यूस्ड और सब्सक्राइब फॉर शेयर ऑन फेथ ऑफ मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस हैज रेमेडीज अगेंस्ट दी, तो अगर कोई भी पर्सन ने उस मिसलीड इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं तो उसके पास सिविल लाइबिलिटी आती है, जिसमें वो कंपनी से क्या कर सकता है, रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन, या तो कंपनी से कह सकता है कि मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, ये ऑफर कैंसिल करो, या फिर उसके अलावा डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। फिर डायरेक्टर, प्रमोटर और एक्सपर्ट के अगेंस्ट क्या लाइबिलिटी आती है, तो कंपनसेशन फॉर अनट्रू स्टेटमेंट, उनसे कंपनसेशन मांगा जा सकता है। डैमेजेस फॉर ओमिशन, ओमिशन के लिए डैमेज मांगा जा सकता है कि तुम डालना भूल गए उसका डैमेज, तो या फिर डैमेज फॉर फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, जो फ्रॉड मिसरिप्रेजेंट करा है उसके लिए भी उनसे डैमेज मांगा जा सकता है। सेकंड टाइप की लाइबिलिटी आती है क्रिमिनल लाइबिलिटी, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी मींस पनिशमेंट गिवन बाय वे ऑफ जेल, टर्म ऑफ पेनल्टी और बोथ। क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है, जब किसी पर्सन को जेल दे दी जाए या फिर पेनल्टी लगा दी जाए या फिर दोनों चीजें करी जाए तो उसे कहा जाता है क्रिमिनल लाइबिलिटी। दस अ कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी, तो कंपनी को तो क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रमोटर होते हैं और डायरेक्टर होते हैं वो उनके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाती है। किस लिए आती है, लाइबिलिटी फॉर अनट्रू स्टेटमेंट, जो उन्होंने अनट्रू मतलब गलत स्टेटमेंट दी है प्रोस्पेक्टस में उसके लिए। पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, एक पर्सन को इंड्यूस करा है कि फ्रॉडुलेंट मैनर में कि वो कंपनी में पैसा लगाए। उसके अलावा इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन फिक्टिशियस नेम, या फिर किसी फिक्टिशियस नेम में शेयर्स को अलॉट कर दिया है, तो ये क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाती है डायरेक्टर और प्रमोटर के ऊपर। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका बुक बिल्डिंग, तो बुक बिल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ऑन बेसिस ऑफ बिड्स रिसीव्ड बाय इश्यूअर कंपनी अलोंग विद बुक रनर। ये क्या है, एक प्रोसेस होता है जिससे सिक्योरिटीज का प्राइस जाना जाता है। ये कैसे पता लगता है, तो बिड करवाई जाती है कंपनी, जो इश्यूअर कंपनी है वो बिड करवाती है, उसके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट बिड होती है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कंपनी का जो सिक्योरिटीज है उनका प्राइस क्या होगा, उसे कहा जाता है बुक बिल्डिंग। इंटरेस्टेड इन्वेस्टर प्लेस टेक प्लेस देयर बिड फॉर सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटी एट डिफरेंट प्राइस एंड अल्टीमेटली द प्राइस एंड क्वांटम विद मैक्सिमम डिमांड गेट सिलेक्टेड। तो बिड करवाई जाती है मतलब बोली लगवाई जाती है, उसके बाद जो भी सबसे ज्यादा अमाउंट में और सबसे ज्यादा प्राइस में खरीदने के लिए तैयार होता है उसे ये बिड दे दी जाती है। बुक बिल्डिंग कैन बी डन फॉर 100% और 75% ऑफ इशू साइज, ये या तो 100% के लिए की जाती है या 75% के लिए, इससे कम ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है, तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर मींस द एक्ट ऑफ एलोकेशन बाय कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर फ्रॉम द प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ कंपनी टू पर्सन अप्लाइंग फॉर शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, जब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो कुछ शेयर जो कि पहले अभी तक अनअलॉट थे मतलब किसी को अलॉट नहीं किए गए हैं उसे किसी पर्सन को अलॉट कर दें जिसने उनके लिए अप्लाई करा है, उसे कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। द अलॉटमेंट शुड बी मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी, कौन कर सकता है, सिर्फ कोई जो प्रॉपर अथॉरिटी है जिसके पास वही अलॉटमेंट कर सकता है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी मस्ट मेड विद इन रीजनेबल टाइम, विद इन रीजनेबल टाइम होना चाहिए। अलॉटमेंट शुड एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, मतलब हमें ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए उसमें कि कितने के लिए कितने शेयर अलॉट करे जा रहे हैं, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मतलब, और अनकंडीशनल मतलब उनके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए। द अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जब अलॉटमेंट हो जाए तो उसके बारे में उस शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कंपनी को, और अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली, जब शेयर होल्डर अप्लाई करेगा उसके बाद ही अलॉटमेंट की जाती है, कंपनी अपनी तरफ से किसी को अलॉट नहीं करती है। नेक्स्ट है फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, तो अ मेंबर हु फेल्स टू पे एनी कॉल ऑन डे स्पेसिफाइड फॉर पेमेंट ऑफ एनी कॉल इंस्टॉलमेंट ऑन बोर्ड में इशू अ नोटिस रिक्वायरिंग पेमेंट ऑफ सच शेल ऑन इंस्टॉलमेंट एज अनपेड टुगेदर विद एनी इंटरेस्ट दे हैव एक्रूड। तो फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, जब किसी कंपनी ने कोई कॉल ड्यू हुई और कंपनी ने कॉल मंगाई, अब कोई शेयर होल्डर उस कॉल को पे नहीं कर पाया तो कंपनी उसे एक नोटिस देती है कि आप कॉल के साथ साथ इंटरेस्ट की इतनी अमाउंट को दें। उसके बाद इफ द कंडीशन ऑफ एनी दीज नोटिस आर नॉट मीट एनी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नोटिस हैज बीन इशूड एंड एट द टाइम देयर आफ्टर द फॉरफिटेड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड। अब क्या होता है, कंपनी ने नोटिस दिया लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, मतलब उस पर्सन ने वो अमाउंट को पे नहीं करा, तो कंपनी क्या करती है फिर उसके शेयर्स को जब्त कर लेती है, यही होता है आपका फॉरफिचर ऑफ शेयर। इसमें क्या होता है, जितनी अमाउंट पहले मिल चुकी होती है वो कंपनी जब्त कर लेती है और उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए जाते हैं। कैंसिलेशन ऑफ फॉरफीचर क्या होता है, इफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर अप्रोच आफ्टर फॉरफीचर टू कैंसिल द फॉरफीचर द बोर्ड में कैंसिल द फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटीज। क्या होगा, मान लीजिए कंपनी ने शेयर्स को फॉरफीट कर लिया लेकिन कुछ टाइम के बाद वो शेयर होल्डर आता है और वो अमाउंट पे कर देता है इंटरेस्ट के साथ, तो फिर कंपनी उस फॉरफीचर को कैंसिल कर सकती है और उसे दोबारा से वो उसके शेयर वापस कर देगी।
Reissue of forfeited share क्या है, तो forfeited share are usually reissued at discount that cannot exceed the amount already paid on those securities. अब अगर कंपनी ने कुछ शेयर फॉरफिट कर रखे हैं और कंपनी उसे किसी नए पर्सन को इशू करती है, तो वो फॉरफिट शेयर हमेशा ज्यादातर क्या होता है, जनरली डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। और डिस्काउंट कितने तक दिया जा सकता है, जितनी अमाउंट कंपनी ने फॉरफिट कर रखी है उतनी अमाउंट तक का डिस्काउंट दे सकती है कंपनी। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 स्वेट इक्विटी शेयर मींस सच इक्विटी शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट डायरेक्टर और एम्प्लॉय एट ए डिस्काउंट फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, वो शेयर जो कंपनी किसे इशू करती है, अपने डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंट रेट पर या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा किसी और फॉर्म के लिए इशू करती है। किस लिए, वो जो एम्प्लॉय और डायरेक्टर है वो अपनी नो हाउ देते हैं, मतलब वो जो उनकी स्किल्स हैं वो देते हैं कंपनी को, उसके रिटर्न में कंपनी जब उन्हें डिस्काउंट रेट पर या कंसीडरेशन अदर देन कैश पर शेयर इशू करती है तो उसे कहा जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। कंडीशन क्या क्या है स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए, तो रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जिसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रेजोल्यूशन में मेंशन होना चाहिए नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, करंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसीडरेशन क्या है और किस क्लास के डायरेक्टर को दिए जा रहे हैं, किन एम्प्लॉइज को दिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होनी है। वेयर आर शेयर्स आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज द इक्विटी शेयर इशूइंग कंपनी शुड कंप्लाई विद सेबी रेगुलेशन मेड ऑन दिस बिहाफ। ये बोला गया है अगर ये जो शेयर इशू करे जा रहे हैं ये एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE या BSE पर लिस्ट हो रखे हैं, तो फिर जो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे जाएंगे वो कैसे करे जाएंगे, SBI की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इशू किए जाएंगे। अ कंपनी हुज शेयर आर नॉट लिस्टेड कंप्लाई विद रूल्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिस कंपनी के शेयर लिस्टेड नहीं है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बना रखे हैं उनके अकॉर्डिंग शेयर्स को, अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करेगी। नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग स्वेट इक्विटी शेयर, तो स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर सेल एप्लीकेबल फॉर अलॉटमेंट विद इन स्पैन नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ये स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है जो कि कितने दिन के लिए वैलिड होता है, 12 महीनों के लिए वैलिड होता है। लिमिट ऑन स्वेट इक्विटी शेयर, तो नो स्वेट इक्विटी शेयर सेल बी इशूड बाय कंपनी फॉर मोर देन 15% ऑफ करंट पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन 1 year और 5 crore और इशूइंग वैल्यू विच एवर इज हायर। क्या बोला गया है, जो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है उनके लिए लिमिट बताई गई है कि या तो वो 15% से ज्यादा ना हो जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, या फिर 5 crore, इनमें से जो भी चीज ज्यादा है उससे ज्यादा नहीं हो सकते स्वेट इक्विटी शेयर। द इशुएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर सेल नॉट एक्सीड 25% टोटल कंपनी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके अलावा जो कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 25% से ज्यादा भी नहीं हो सकते हैं। फिर है स्वेट इक्विटी शेयर टू बी लॉक्ड फॉर 3 years, तो द स्वेट इक्विटी शेयर इशूड टू डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयज शैल बी लॉक्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। जो लॉक इन पीरियड होता है स्वेट इक्विटी शेयर का वो 3 साल का होता है, मतलब 3 साल तक कोई भी जिसको वो अलॉट करे गए हैं वो उन्हें सेल नहीं कर सकता। स्वेट इक्विटी शेयर फॉर नॉन कैश कंसीडरेशन, तो वेयर स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसीडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑब्टेंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अगर जो स्वेट इक्विटी शेयर हैं वो हमने नॉन कैश कंसीडरेशन के लिए इशू करे हैं तो जो उनकी वैल्यू है वो कौन डिटरमाइन करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिटरमाइन करेगा। बोर्ड रिपोर्ट्स टू डिस्क्लोज द डिटेल ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज द डिटेल ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट फॉर द ईयर इन विच सच शेयर आर इशूड। तो जो बोर्ड्स की रिपोर्ट होती है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है, उसमें इन स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में बताया होना चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, तो अ रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी मेंटेन्ड बाय कंपनी इन फॉर्म SH3। जो कंपनी का रजिस्टर होता है उसमें SH3 फॉर्म के अंदर इन स्वेट इक्विटी शेयर का रिकॉर्ड मेंटेन करेगी कंपनी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इशूड अंडर 54 शैल बी एंटर्ड इमीडिएटली देयर इन। सेक्शन 54 के अंदर जो भी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे गए हैं उनका डिस्क्रिप्शन इमीडिएटली कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा इस रजिस्टर में। नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये क्या होती है, तो द ऑप्शन गिवन टू डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी और कंपनीज। ये ऑप्शन किसे दिया जाता है, या तो डायरेक्टर को, ऑफिसर्स को, या एम्प्लॉय को, किसके, कंपनी के एम्प्लॉय या फिर उसकी होल्डिंग या उसकी कोई सब्सिडरी या कोई और कंपनी के। इफ एनी विच गिव सच डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय द बेनिफिट और राइट टू परचेज और टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर ऑफ कंपनी एट फ्यूचर डेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। इसमें क्या होता है, उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अभी से आपको इतने शेयर दिए जा रहे हैं, इतने रेट पर आप इन्हें फ्यूचर में चल के खरीद सकते हैं, उनका रेट पहले ही बता दिया जाता है इतनी अमाउंट पर, तो उसे कहा जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसमें क्या है, वेरिंग द टर्म ऑफ ईसॉप्स रिक्वायर रेजोल्यूशन, अगर
स्टेट दैट थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन द कंपनी में वेरी द टर्म ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दैट हैज नॉट बीन एक्सरसाइज थ्रू द एम्प्लॉय। क्या बोला गया, अगर एम्प्लॉयज को पहले ईशॉप्स दे दिए गए, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में शेयर्स दे दिए गए, अब अगर एम्प्लॉय ने अभी तक उस राइट को एक्सरसाइज नहीं कराया तो कंपनी अगर चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसकी टर्म्स में चेंज कर सकती है। नेक्स्ट है मिनिमम वन ईयर वेस्टिंग पीरियड, दो द वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन देयर शैल बी मिनिमम पीरियड ऑफ वन ईयर। जो मतलब जिस डेट को शेयर्स का ऑप्शन दिया गया है और जिस डेट पर एम्प्लॉय है वो शेयर्स को एक्सरसाइज कर रहा है उसके बीच में एक साल का वन ईयर के पीरियड का गैप होना चाहिए। वन ईयर के अंदर अंदर कोई भी एम्प्लॉय इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कंपनी हैज फ्रीडम टू स्पेसिफाई लॉक इन पीरियड। कंपनी के पास फ्रीडम होती है, कंपनी लॉक इन पीरियड बता सकती है कि कोई भी एम्प्लॉय इतने टाइम तक इन शेयर्स को सेल नहीं कर सकता है। नो राइट ऑफ डिविडेंड और वोटिंग टिल एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। अगर कोई भी एम्प्लॉय इस ऑप्शन को जब तक एक्सरसाइज नहीं कर लेता है, मतलब जब तक वो शेयर्स को खरीद नहीं लेता है उस प्राइस पर, तब तक उसे कोई भी डिविडेंड या वोटिंग राइट नहीं दिया जाता, चाहे ऑप्शन कभी भी दे दिया जाए। नेक्स्ट है डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय हु वर ग्रांटेड विद ऑप्शन। तो इन इवेंट ऑफ एम्प्लॉय डेथ वाइल इन सर्विस ऑल द राइट टू गिवन टू हिम अप टू डेट शैल अप्लाई टू डिसीज्ड एम्प्लॉय लीगल हायर और नॉमिनी। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है जब वो काम कर रहा हो या फिर वो रिजाइन वगैरह कर देता है, तो जो भी राइट थे वो किसके पास चले जाते हैं, उसके लीगल हायर या उस एम्प्लॉय के नॉमिनी के पास चले जाते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, तो रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इन द फॉर्म SH6 शैल बी मेंटेन्ड बाय कंपनी। कंपनी के द्वारा SH6 के अंदर कंपनी का जो रजिस्टर होता है शेयर्स का, उसके अंदर इसका रिकॉर्ड मेंशन होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी हैव टू कंप्लाई विद सेबी गाइडलाइंस, और अगर लिस्टेड कंपनी ये ईशॉप इशू कर रही है तो उसे फिर सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट बोनस इशू, क्या होता है, तो कंपनी हैव लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जब कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट होता है और कंपनी उन्हें अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज एज डिविडेंड दे इशू फुली पेड अप शेयर टू देम फ्री ऑफ चार्ज। तो उसे डिविडेंड के रूप में ना देकर जब कंपनी उन्हें शेयर की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो उसे कहा जाता है आपका बोनस शेयर। एज पर सेक्शन 63(1) कंपनी कैन इशू फुली पेड अप बोनस शेयर ऑफ इट्स मेंबर आउट ऑफ। अब कंपनी कहां कहां से बोनस शेयर इशू कर सकती है, तो अपने फ्री रिजर्व में से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से, या फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट होता है उनमें से, ये तीन जगह से कंपनी बोनस इशू दे सकती है। अब बोनस इशू करने के लिए कंपनी को कुछ कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ता है। नंबर वन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट परमिट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिट होना चाहिए, मतलब अलाउ करना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंपनी बोनस इशू कर सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन मस्ट बी पास रिकमेंडिंग द बोनस इशू। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन पास किया होना चाहिए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर शुड बी टेकन बिफोर रेजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करने से पहले शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना जरूरी है। नेक्स्ट है कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट रिस्पेक्ट टू फिक्स डिपोजिट और डेट सिक्योरिटीज। कंपनी ने किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर किसी भी डेट सिक्योरिटीज की प्रीपेमेंट में या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। नेक्स्ट है कंपनी शुड नॉट डिफॉल्टेड विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ स्टेट्यूटरी ड्यूज टू इट्स एम्प्लॉई। कंपनी ने किसी भी एम्प्लॉय की स्टेट्यूटरी ड्यूज का डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, मतलब जो कंपनी का एम्प्लॉय को पैसा देना बनता है वो कंपनी ने दे रखा हो, कोई भी ड्यू नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सिक्स्थ कंडीशन है ऑल पार्शियली पेड अप शेयर ऑन डेट ऑफ अलॉटमेंट मस्ट मेड फुल्ली पेड अप। द कंपनी मस्ट कंप्लाई विद सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसके अलावा अगर कंपनी के पास कोई पार्शियली पेड अप शेयर है तो कंपनी को पहले उन्हें फुल्ली पेड अप शेयर करना होगा, उसके बाद ही कंपनी उन्हें बोनस इशू कर सकती है। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट राइट इशू, क्या होता है, तो राइट इशू इज एन इनविटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज एडिशनल न्यू सिक्योरिटीज इन कंपनी एट डिस्काउंट और मार्केट प्राइस ऑन स्टेटेड फ्यूचर डेट। राइट इशू का मतलब होता है जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन दे कि वो कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं एक डिस्काउंटेड प्राइस पर जो कि मार्केट प्राइस से कम है, तो उसे कहा जाता है राइट इशू पर शेयर इशू करना। इट मस्ट कंप्लाई विद प्रोविजन, इसके लिए जो कंपनी है उसे कुछ प्रोविजन के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। नंबर वन है कि शेयर मस्ट बी फर्स्ट ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किए जाने चाहिए शेयर इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल पेड अप बाय देम। कितने किस प्रोपोर्शन में जितनी उन्होंने कैपिटल पेड अप कर रखी है उस प्रोपोर्शन में उन्हें ऑफर किए जाने चाहिए शेयर। द ऑफर ऑफ फर्दर शेयर मस्ट बी मेड बाय नोटिस डिस्पैच थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और थ्रू ई मोड ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एटलीस्ट 3 डेज बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्हें इसका नोटिस दिया जाना चाहिए या तो किसी स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर ई मोड के थ्रू, कितने दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले इसका नोटिस उन्हें मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट है नोटिस मस्ट स्पेसिफाई नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड एंड द टाइम विद इन विच द ऑफर टू बी एक्सेप्टेड। उस नोटिस में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, कितने शेयर दिए जा रहे हैं और कितने टाइम के अंदर उस शेयर होल्डर को इन्हें एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट है नोटिस मस्ट ऑल्सो स्पेसिफाई द शेयर होल्डर हैज द राइट टू रिनाउंस और एनी और ऑल ऑफ द शेयर ऑफर्ड टू हिम इन फेवर ऑफ नॉमिनी।
उस नोटिस में ये भी मेंशन होना चाहिए कि उस शेयर होल्डर के पास क्या राइट है या नहीं है कि वो उन्हें रिनाउंस कर सके, मतलब किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सके। उसके अलावा द एक्सपायरी ऑफ टाइम स्पेसिफाइड इन नोटिस और रिसीविंग इंटीमेशन ऑफ डिक्लाइन ऑफ ऑफर द डायरेक्टर आर फ्री फ्रॉम डिस्पोज ऑफ शेयर इन सच मैनर एज दे थिंक मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। अगर अब किसी ने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया या फिर उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो डायरेक्टर के पास पावर होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, कि वो उन शेयर्स को किसी भी पर्सन को इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है अब आपका बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है? तो आ कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आउट ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। क्या होता है, कंपनी जब अपने शेयर से या किसी सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में जाकर खुद खरीद ले तो उसे कहा जाता है बायबैक करना सिक्योरिटीज का। अब बायबैक कंपनी कहां कहां से कर सकती है, या तो फ्री रिजर्व में से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से, या फिर कंपनी बायबैक कर सकती है और कुछ शेयर इशू करे कंपनी ने, उनसे जो पैसा आया उनसे कंपनी ने बायबैक कर लिया दूसरे शेयर्स को, तो उसे इन तीन तरीकों से कंपनी बायबैक कर सकती है। बायबैक का आपका इतना ही सा कंसेप्ट है। इसके बाद है आपका जो लास्ट कंसेप्ट है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। इसे पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ शेयर मींस वॉलंटरी एक्ट बिटवीन ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। ट्रांसफर ऑफ शेयर इज यूजुअली मेंशनड द ट्रांसफर डीड द टाइटल ऑफ शेयर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी ऑफ टू अनदर। ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, जब ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लें और ट्रांसफरर अपने शेयर ट्रांसफरी को ट्रांसफर करना चाहता हो तो उसे कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड। पब्लिक कंपनी के शेयर को हम इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं इफ कंपनी डज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन अबाउट इट नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अगर कंपनी ने अलग से मेंशन नहीं कर रखा है कि कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं कंपनी के, पब्लिक कंपनी के शेयर। प्रोविजन है इससे रिलेटेड, द ट्रांसफर ऑफ शेयर इज डन व्हेन अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इन फॉर्म SH4 मेंशन्ड इन सब रूल 1 ऑफ रूल 11 ऑफ कंपनीज एक्ट इज ड्यूली स्टैम्प्ड डेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय ट्रांसफर ट्रांसफरी और बिहाफ ऑफ इनिशिएशन। क्या बोला गया, एक ट्रांसफर ऑफ शेयर तभी कंप्लीट होगा जब प्रॉपर फॉर्म में, मतलब SH4 के अंदर कंपनी जो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी हैं वो दोनों इस SH4 फॉर्म को फिल करके डेट डालकर उस पर स्टैंप लगाकर एग्जीक्यूट करेंगे किसे, कंपनी को, तभी ये ट्रांसफर कंप्लीट माना जाएगा अच्छे तरीके से। द डॉक्यूमेंट शुड कंटेन द डिटेल, उसमें क्या क्या होना चाहिए जो ये SH4 फॉर्म फिल करेंगे, नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ऑक्यूपेशन होना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी डिलीवर्ड टू कंपनी कितने दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर कंपनी के पास डिलीवर हो जाना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी अकंपेंड बाय सर्टिफिकेट ऑफ शेयर ऑन द लेटर ऑफ अलॉटमेंट इन केस ऑफ पार्शियली पेड अप शेयर द SH5 विल बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू सब रूल ऑफ 3 ऑफ रूल 11। वहीं ये बोला गया अगर कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि पार्शियली पेड अप शेयर हैं उनका ट्रांसफर किया जा रहा है तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी को SH5 फॉर्म भी फिल करना होगा। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में क्या होता है, जब जो शेयर होल्डर है वो अपनी विल से ना शेयर्स को ट्रांसफर, उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाए लॉ के द्वारा कि तुम्हें शेयर्स को ट्रांसफर करना है तो उसे कहा जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज परफॉर्म्ड व्हेन शेयर होल्डर इज नो मोर और डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और लियोनेटिक। ट्रांसमिशन कब होता है, जब या तो शेयर होल्डर की डेथ हो गई हो या फिर वो इंसॉल्वेंट या लियोनेटिक हो गया हो तो उसके शेयर्स का ट्रांसमिशन होता है ना कि ट्रांसफर होता है। ये आपका डिफरेंस हो जाता है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में। और देखिए दोस्तों इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इस यूनिट को कंप्लीट यूनिट को मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको कवर करवा दिया है। ये काफी कंटेंट होगा आपके लिए, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं तो आप अगर इसी को कर लेते हैं तो काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मे बी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।